हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और हम लोग इंटरनेशनल अफेयर में इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट को देखने जा रहे हैं। घटनाचक्र आई दृष्टि की बुक जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, नेशनल वाली पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके साथ साथ कुछ और दो पोर्शंस स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। 6 to 7 days में मैक्सिमम ये बुक मैं ख़त्म कर दूंगा। सो यू कैन, इफ़ यू आर ट्राइंग एनीथिंग विथ घटनाचक्र आई दृष्टि ई बुक, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट। सबसे पहले जो कंसर्न चीज़ें हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल अफेयर्स के, इंटरनेशनल रिलेशन के सेगमेंट में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। बेसिकली यह एक ओवरव्यू होगा ग्लोबल सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स का और साथ साथ में एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। पुतिन जी को आप देख सकते हो, स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेगमेंट में पहला है, इंडिया एंड मलेशिया ने एग्री किया है सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपीज़ में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है रशिया, ठीक है, ये है इंडिया। रशिया में रशियन बैंक है, मान लीजिए रशियन बैंक है जो कि रूबल में डील करेगी। इंडिया में SBI है, ये करेगी डील रुपया में, ठीक है। तो एक होता है वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, वोस्ट्रो अकाउंट। इसके तहत क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग इस करेंट अफेयर पे मूव करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया, तो रशिया क्या किया, अपने जो ऑयल प्राइसेस है ना, क्रूड ऑयल, उसकी प्राइस को कम कर दिया है इंडिया के लिए, कुछ पैसे कम किए हैं, जिससे इंडिया का इकोनॉमिकल बेनिफिट काफ़ी हो रहा है, ऑयल की सप्लाईज काफ़ी अच्छी हो गई है और इंडिया जो है ओवरकम कर दिया है बहुत सारे ट्रेड जहाँ पार्टनर्स हैं उनमें ऑयल के ट्रांसफ़र के लिए। हालांकि इंडिया रशिया से बहुत कुछ लेता है, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, फिर वो होता है ना सनफ्लावर ऑयल हो गया, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो ऑयल है, क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा पीक पे है। तो क्या करेगा इंडिया, तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया कि ठीक है, चलिए मैं आपसे ले तो रहा हूँ, इतने सारे इंटरनेशनल प्रेशर पे भी मैं आपसे ऑयल खरीद रहा हूँ, आप मुझे डिस्काउंट दे रहे हो, वेल एंड गुड। इंडिया एंड रशिया रिलेशंस आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, इंडिया इज़ नॉट अपोजिंग रशिया इन एनी स्टांस। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो एक काम करते हैं, एक वोस्ट्रो अकाउंट क्रिएट करते हैं रशिया का, रशिया की एक बैंक अकाउंट को मैं अपने SBI में खोलूँगा। मेरा जो SBI है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ SBI का, उसमें मैं रशियन एक बैंक अकाउंट खोल दूंगा और मैं रुपए में उसके जमा, जो मुझे पैसे देने हैं तेल के, वो मैं रुपए में उस बैंक अकाउंट में जमा कर दूंगा। हालांकि वो बैंक अकाउंट जो होगा वो कम्प्लीटली रशियन फेडरल बैंक अकाउंट होगा, लेकिन हम उसको रुपीज़ में जमा करेंगे। रशिया इस पर एग्री कर गया, मतलब क्या हुआ कि ट्रेड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज़ गोइंग थ्रू द रुपीज़ वे। कहते हैं ना कि हर जगह डॉलर में, हम डॉलर को क्यों इन्वॉल्व करना है, हर जगह डॉलर को क्यों हाईलाइट करना है, इससे क्या होता है, डॉलर स्ट्रांग होता है। फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की अगर बढ़ रही है घट रही है तो किसी भी देश की इकोनॉमी क्यों डिसाइड हो रही है, क्योंकि दूसरों देशों की जो पैसे हैं वो एक्सचेंज रेट का मीडियम नहीं बन पा रहे हैं। एक्सचेंज रेट का मीडियम तब बनेगा जब हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में किसी की डोमिनेंसी को कम करने के लिए आपस में एक तरीके से कॉन्फ्लुएंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही हो रहा है। इसी तरीके से वोस्ट्रो अकाउंट खोल के इंडिया ने लगभग 18 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया की रुपीज़ को अब एक तरीके से चला दिया है। तो ये बहुत बड़ा मूव है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये एक बेसिक सा अप्रोच था जो मुझे बताना जरूरी था क्योंकि ये पढ़ रखा था। चलिए, अब इंडिया एंड मलेशिया ने एग्री किया है, करंट अफेयर मूव करते हैं। इंडिया एंड मलेशिया ने एग्री किया है अपने ट्रेड डील्स को सेटल करेंगे इंडियन रुपीज़ में, ये भी बहुत अच्छी बात है, सेम चीज़ है। तो बहुत सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, कौन है, एस जयशंकर जी हैं, सब लोग जानते हैं उनको, बहुत ही बेहतरीन मिनिस्टर हैं। उन्होंने अनाउंस किया है 1 अप्रैल 2023 को ओडिशा दिवस होता है, ये मैं आपको बता दूं, ओडिशा दिवस, इसी दिवस को हम लोग उत्कल दिवस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके हाइलाइट्स को समझ लेते हैं। तो ये जो ट्रेड हो रहा है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, वो सेटल किया जाएगा इंडियन रुपीज़ में, जिसको INR कहेंगे। इसके साथ साथ जो करंट मोड ऑफ सेटलमेंट है, बहुत करंट मोड ऑफ सेटलमेंट है अदर करेंसीज़ में, उसको भी हम लोग INR में करेंगे। इंडिया, अगर हम लोग बात करें इंडिया और मलेशिया के बीच में बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल कहने का ये मतलब होता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, मलेशिया से भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है तो मलेशिया से भी इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो वो टच किया है 19.4 बिलियन डॉलर्स का 2021-22 में, तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो यूनिट है, ये जो क्वांटिटी है, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मलेशिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, एशियन रीजन में तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के बाद, पहला सिंगापुर है, फिर इंडोनेशिया है, एंड देन मलेशिया है।
लगभग $30.1 बिलियन एंड $26.1 बिलियन है बायलेटरल ट्रेड। सिंगापुर का इंडिया से $30.1 बिलियन है और इंडोनेशिया का $26.1 बिलियन है। अब तीसरे नंबर पे मलेशिया आ गया जिसका $19.4 बिलियन है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब एक करंट अफेयर है जहाँ पे भूटान के जो किंग है ना वो इंडिया का विजिट हुआ था और ये काफ़ी हिस्टोरिकल विजिट है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं किंग ऑफ भूटान कौन है, तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, फुंगसुक वांगरू नहीं है, आपको जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो कि 3 डे स्टेट विजिट पे थे इंडिया के, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं 4 अप्रैल 2023 को। बेसिकली जो डील हुआ है, जो बातें हुई हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर कहने का ये मतलब हुआ कि वैसी एनर्जी डिमांड जो कि हाइड्रो मीन्स वाटर के डिमांड से पूरी होती है। अगर हम बात करें हाइड्रो पावर की, तो गवर्नमेंट ने एग्री किया है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, बहुत दिन से डिमांड। और देखिए इंडिया का एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन इंडिया ना डिले करता है, क्या करेगा बेचारा, खुद भी डेवलपिंग कंट्री है, खुद बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको स्ट्रेन कर लेती हैं। जैसे श्रीलंका का बात कर लेते हैं, हम्बनटोटा पोर्ट की बात थी, फिर अगर हम ट्रिंकोमाली पोर्ट की बात थी, जब कोई भी डेवलपमेंट पोर्ट्स की प्रोजेक्ट आती है तो इंडिया को सडन, अगर इंडिया चाहे अगर अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, तो मान लीजिए फंड एलोकेट कर दिया इंडिया, लेकिन फंड को देने में लेट लगा देता है, इसका फ़ायदा कौन लेगा, चाइना लेगा। चाइना क्या करता है, फटाक से आके फंड पास कर देता है और इंडिया वहाँ पे फेंट कर जाता है और चाइना आगे बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में जो बायलेटरल टाइज हैं वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होंगे, इंडिया पीछे हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में यही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत दिन से पेंडिंग डिमांड था भूटान का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर जो था उस पर एग्री कर गया है इंडिया अब, और पावर हाइड्रो पावर पे जो गवर्नमेंट ने एग्री किया था, बहुत सारा पेंडिंग डिमांड था, उसको भूटान के लिए मांग लिया गया है। अब इंक्रीज कर जाएगा पावर टैरिफ को, एक तो है आपको चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था ऑपरेशनल में इंडिया के साथ मदद से 1986 में, मतलब भूटान को इंडिया ने मदद किया था इसको चलाने में। इंडिया और भी क्या एग्री किया है, तो वो बाई करेगा पावर फ्रॉम भोशाचु हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो कि बनाया गया था ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट से 2008 में। तो एक तो सपोर्ट को जो इंडिया ने प्रोजेक्ट किया था वो, और दूसरा क्या है, जो बशोचू है हाइडल पावर प्रोजेक्ट उसको जो ऑस्ट्रेलिया के मदद से बनाया गया था भूटान में, उससे हम एनर्जी खरीदेंगे। ये दो चीज़ पे एग्रीमेंट हुआ है। अब एक चीज़ और समझिए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है। इंडिया जो है वो एग्जामिन करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलॉन्ग विद द इंडियन भूटान बॉर्डर एट जयगांव एंड एक्सपेंडिंग द प्रपोज्ड कोकराझार गैल्पू रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो एक चीज़ समझिए, जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहने का ये मतलब हुआ कि भूटानियन चेक पोस्ट भी होगा, इंडियन चेक पोस्ट भी होगा, दोनों मिलजुल के काम करेंगे वहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि एक कोकराझार गैल्पू रेल लिंक प्रोजेक्ट है, उस पर इंडिया काम करेगा भूटान के साथ मिलकर। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में यही तो है बायलेटरल टाइज का बात। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI जो कहते हैं, एंड पे नाउ। देखिए तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बेसिकली फरवरी 21, 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली हेशन लुंग, कौन है वो, ली हेशन लुंग के साथ एक लॉन्च किया है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को, जो कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि इंडिया का है वो, और पे नाओ जो कि सिंगापुर का इंटरफेस है उसके साथ टाई अप करेगी और साथ में पेमेंट का जो इंटरफेस है उसको और क्लियर करेगी, विजुअलाइज करेगी। ये जो हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, साथ में ही अब ये दोनों आपस में लिंक हो गए हैं। बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी 21 2023 को, लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी के द्वारा एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन जी के द्वारा। यह जो लिंकेज है वो अलाउ करेगा जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में, जैसे हम और आप हो गए, और सिंगापुर से आराम से रिमिट कर सकते हैं मनी को अपने बैंक अकाउंट में रियल टाइम। कहने का ये मतलब होता है कि अगर हम आपस में जो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बीच में डीले बहुत कम हो, ना के बराबर डीले हो, बस एक क्लिक से पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि पैसे ट्रांसफर करने के बाद वी विल हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर, फ्यू डेज, ऐसा कुछ नहीं होगा। रियल टाइम जिस तरीके से UPI में फोनपे पेटीएम को हम लोग यूज करते हैं उस तरीके से, क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये भूटान की जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थी ना वहाँ पे मैंने ऑस्ट्रियन की जगह ऑस्ट्रेलिया बोल दिया है, उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रियन के हेल्प से उन्होंने डेवलप किया है उसको, बॉश्यू हाइडल प्रोजेक्ट को। चलिए अब हम लोग अगर बात करें इस पेमेंट इंटरफेस की, तो सिंगापुर जो है ना वो पहली कंट्री बन चुका है, फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो इंडिया के साथ इस तरीके का डील किया है। याद रखिएगा
क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पी टू पी पेमेंट फैसिलिटी जो है ये लॉन्च किया गया है सिंगापुर के साथ, वो पहली कंट्री है, इस बात का याद रखिएगा। जो फंड्स होंगे बैंक अकाउंट में या फिर किसी ई वॉलेट्स में, वॉलेट्स क्या होता है आप समझ लीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए अपने घर से किसी कहीं किसी लॉकर से पैसे निकाल के जाते हो, आप एक झोला रख रखे हो हाथ में, एक छोटा सा बैग रख रखे हो, उस बैग में पैसे को कुछ देर के लिए रखते हो, तो वो जो टेम्प्रोरी सेगमेंट होता है ना पैसे को स्टोर करने का, उसी को वॉलेट कहते हैं। बस मैं बेस्ट एग्जांपल दे दिया हूँ आपको, उससे बाहर सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिया आराम से अब यूपीआई आईडी को यूज़ करेगा, मोबाइल नंबर या फिर किसी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को यूज़ करके डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करेगा इंडिया और सिंगापुर के बीच में, हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा फोर्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग इंडिया और मालदीव्स के बीच में स्टार्ट हुआ है। इंडिया एंड मालदीव्स ने कंडक्ट किया है चौथा डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग, जिसको डीसीडी कहते हैं, ऑन मार्च 19, 2023। यह जो डायलॉग था वो को चेयर किया गया था डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमानी जी के द्वारा, और उनके ही जो मालदीवियन काउंटर पार्ट थे डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ मालदीव्स, वो कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स मेजर जनरल अब्दुल्ला सामल जी के साथ यह कोऑपरेशन डायलॉग को रखा गया था इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक नया करंट अफेयर, बेसिक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है लेकिन फिर भी समझते हैं। इंडिया एंड सीचेल्स ने साइन किया एग्रीमेंट को मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए, मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए इंडिया एंड सीचेल्स ने एग्रीमेंट साइन। तो हम लोग इस इंडिया सीचेल्स जो एग्रीमेंट हुआ है मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए उसको समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, इंडिया अपने जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन है मैरिटाइम सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसमें सीचेल्स के साथ एक एग्रीमेंट पे आया है, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFC IOR, उन्होंने एक साइन किया है MOU, कब किया है तो 21 फरवरी 2023 को, विथ रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर RCOC सीचेल्स। देखिए इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का IFC IOR ये इंडिया के साइड का है, इसी का काउंटर पार्ट अगर हम बात करें रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर RCOC ये सीचेल्स का है। यह जो MOU साइन किया गया है वो कैप्टन रोहित वाजपेयी जो कि डायरेक्टर है IFC IOR के, एंड कैप्टन सैम गोइंटियर जो है वो डायरेक्टर RCOC के हैं, उन दोनों के बीच में किया गया है। इसका बेसिक एम क्या है, या इसका बेसिक एम है प्रमोट करना कोलैबोरेशन बिटवीन द टू सेंटर्स टुवर्ड्स द एनहांसिंग मैरिटाइम डोमेन्स अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड एक्सपर्टीज डेवलपमेंट। बेसिक अगर आपको ध्यान रखना है सिंपल सा चीज है तो IFC IOR जो है इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन जो है ये इंडिया अकाउंट साइड का है मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए, साथ में ही रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर RCOC की बात करिए सिचल साइड का है, इन दोनों के बीच में ये पैक्ट हुआ है, ये MOU हुआ है। अगर हम बात करें तो सेंटर ने होस्ट किया है ILO 12 पार्टनर नेशन के साथ, बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, श्रीलंका, सिचल, सिंगापुर, UK एंड USA भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है ना। ये था हमारा इंडिया एंड सीचेल्स का ने एग्रीमेंट साइन किया है मैरिटाइम कोऑपरेशन का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग के बारे में, यहाँ पे ट्रेड की बात होगी, कमर्शियलाइजेशन जहाँ पे आया वहाँ पे ट्रेड आएगा, कैपिटलाइजेशन जहाँ पे आएगा वहाँ यूएसए आएगा। इंडिया और यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ने अमेरिका में हेल्ड हुआ है 5th मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग, मिनिस्ट्रियल लेवल मतलब मिनिस्ट्री की लेवल में एंगेजमेंट होगी यहाँ पे उनके साथ बायलेटरल कमर्शियल डायलॉग न्यू दिल्ली में 10 मार्च 2023 को, ठीक है। इसके हाइलाइट्स क्या क्या थे, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो हैं पीयूष गोयल जी एंड यूएस के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो हैं गीना राइमोंडे जी, वो को चेयर किए थे और साथ में रीलॉन्च किए हैं कमर्शियल डायलॉग इन अकॉर्डेंस विद द यूएस इंडिया ज्वाइंट लीडर स्टेटमेंट ऑफ सितंबर 2021, ठीक है। ये एक बस कुछ नहीं है, कमर्शियल वेंचर है। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो फोकस करेगी फर्दर इमर्जिंग एरिया जो बायलेटरल कमर्शियल पार्टनरशिप है उसके और कमर्शियल डायलॉग्स एक पार्ट का ऑनगोइंग एफर्ट होता है कि कैसे हम आपस के टाइज को, कमर्शियल टाइज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए, मजबूत कर पाए, ठीक है। साथ में यूएस इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा फेयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को ला रहा है। ये था इंडिया एंड यूएस का कमर्शियल डायलॉग, बेसिक चीजें हैं जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग नए करंट अफेयर को देखेंगे, इसमें इंडिया और ऑस्ट्रिया ने कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है। इसके तहत हम लोग समझते हैं कि होता क्या है ये, देखिए दो कंट्री के बीच में जब भी, तो ये जो ऑस्ट्रिया का कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम है यह साइन किया गया है, आपको हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो मिनिस्टर जी एस जयशंकर जी हैं वो वियना विजिट किए थे तब, और ये एक सिमिलर मोबिलिटी एग्रीमेंट है जो इससे पहले इस तरीके का एग्रीमेंट फ्रांस, UK, जर्मनी एंड फिनलैंड के साथ ऑलरेडी इंडिया कर रखा है। अगर हम लोग बात करें इस तरीके की एग्रीमेंट में क्या फ़ायदा होता है, तो बेसिकली ये एक फैसिलिटेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स
एकेडमिशियंस जो होते हैं या रिसर्चर्स हुए, माइग्रेशन प्रोफेशनल्स हुए, कोई इकोनॉमिक रीजन की वजह से माइग्रेट करता है किसी दूसरे कंट्री में, तो सामने वाली कंट्री किस तरीके से रेसिप्रोकेट करेगी, कैसे वो इक्वली ट्रीट करेगी, जैसे हम उनके स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल को, रिसर्चर्स को, माइग्रेशन को, प्रोफेशनल्स एंड इकोनॉमिक जो रीजन से माइग्रेट किए हैं उनको हम जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही वो उनको ट्रीट करेंगे। साथ में ही दोनों कंट्रीज के बीच में सिमिलर कंडीशंस को हम लोग जनरेट करेंगे ताकि इससे क्या होगा, कभी कोई क्राइसिस स्ट्रक आउट होती है तो एक दूसरे को एक्सट्रैक्ट करना आसान हो। फिर अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की इस एग्रीमेंट में, तो यह एग्रीमेंट रेगुलेट करेगा मल्टीपल एंट्रीज वीजाज प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए, और साथ साथ में रिवाइव करेगा और इसको रेगुलरली रिव्यू किया जाएगा, एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWZ बनाई जाएगी उसके द्वारा। अगर हम बात करें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट के बारे में, तो यह पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ऑस्ट्रिया के साथ किसी कंट्री ने किया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो, और अगर हम दूसरी कंडीशंस में यह बात करो तो सेकंड नॉन OECD कंट्री, ठीक है। OECD कहने का क्या मतलब, तो बेसिकली OECD में यह हुआ कि जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन से अलग है उस कंट्रीज के बीच में। इसी तरीके से सिमिलर एग्रीमेंट इससे पहले किया गया है इंडिया जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, पुर्तगाल के साथ, UK एंड डेनमार्क के साथ, इस तरीके का एग्रीमेंट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, इंडिया ने एज्यूम किया है चेयरमैनशिप, याद रखिएगा इंडिया ने एज्यूम किया है चेयरमैनशिप वाशिनार एग्रीमेंट का। अब आप एक चीज समझिए, चेयरमैनशिप अगर ये इंडिया ले रही है तो ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। अगर हम लोग इसको जानने से पहले वाशिनार एग्रीमेंट को समझते हैं, यह एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है जहां पे हम लोग रेगुलर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं किसी वाशिनार कंट्रीज के बीच में, और साथ साथ में बहुत सारे ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स का भी ट्रांसफर करते हैं, एंड कुछ ऐसे गुड्स का जो डुअल यूज गुड्स हैं, जो दो लोग दो कंट्री आपस में यूज कर सकती है, एंड बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिसमें हम लोग ट्रांसफरेंसी रखेंगे आपस में। तो वाशिनार एग्रीमेंट ये है, इंडिया ने वाशिनार एग्रीमेंट को ज्वाइन किया था 8 दिसंबर 2017 को उसके 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट के तौर पे। अब हम लोग समझते हैं इंडिया ने एज्यूम किया है चेयरमैनशिप को वाशिनार एग्रीमेंट में 1 जनवरी 2023 को लगभग एक साल के लिए। एट 26th एनुअल प्लेनरी ऑफ द वाशिनार एग्रीमेंट में इंडिया ने इसे ज्वाइन किया जो कि वियना में हुआ था 30 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक। एम्बेसडर जो थे इयान ओ'लेरी जी आयरलैंड के, उन्होंने हैंडओवर किया चेयरमैनशिप को एम्बेसडर जयदीप मजुमदार जी को जो कि एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन वियना में, ठीक है। ये था आपका वाशिनार एग्रीमेंट, इंडिया इसके चेयरमैनशिप को टेक ओवर किया है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बीच में बात होगी। इमैनुअल बोन जो हैं डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं एंड G7 G20 के शेरपा हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने एक पेड विजिट किया था इंडिया हाल ही में 5 जनवरी 2023 को, यह फॉर द 36th सेशन ऑफ द इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग। तो 36वां सेशन जो था इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग में, उसमें इमैनुअल मैक्रोन ने खुद एक विजिट किया था इंडिया में 5 जनवरी 2023 को। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस हाइलाइट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट्स डायलॉग्स जो हुए हैं उसमें कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग समझते हैं। अब इंडिया फ्रांस जो डायलॉग हुआ उसके हाइलाइट्स को, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली इमैनुअल बोन जो हैं, जो कि एक काउंटर पार्ट हैं NSA के, जो अजीत डोवाल जी हैं उनके काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे वाइड रेंजिंग टॉक्स की हैं हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग के ऊपर। अगर हम लोग बात करें तो ये एजेंडा जो कवर करती है सारे एस्पेक्ट्स से, जैसे कि इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहाँ कहाँ, डिफेंस में, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में, मेजर इंटरनेशनल एंड रीजनल इशूज़ में, इंक्लूडिंग रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी बातें हुई, और साथ में अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन चल रही है उस पर भी बातें हुई, साइबर सिक्योरिटी पे खासकर बातें हुई, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बातें हुई। तो इंडिया फ्रांस जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ इस तरीके से कंक्लूड हुआ। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। इंडिया एंड इजिप्ट ने डिक्लेयर किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया फ्रांस इज ओवर, नाउ इंडिया इजिप्ट इज गोइंग ऑन। अगर हम बात करें इंडिया ने इजिप्ट ने एग्री किया है जनवरी 25 2023 को कि वो कैसे अपने जो बायलेटरल टाइज हैं, बायलेटरल टाइज कहने का मतलब ये हुआ कि इफ़ आई एम वर्दी इनफ, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग फॉर योर कंट्री आई जस्ट वॉन्ट योर कंट्री टू रिवर्ट दैट थिंग फॉर मी ऑल्सो। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट पर बात करेगी, इन चीज़ों में टाइज होगी विद इंडिया एंड इजिप्ट की बात होगी। प्रेसिडेंट अल सीसी जी, आपको ये नाम याद होना चाहिए क्योंकि ये इजिप्टियन प्रेसिडेंट हैं और ये इनवाइट किए गए थे एज अ चीफ गेस्ट, काफ़ी पॉपुलर थे, रिपब्लिक डे परेड जो कि 26 जनवरी को कंक्लूड हुआ था।
इंडिया एंड इजिप्ट एक्सचेंज किया MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन से फील्ड में इसको समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी में, कल्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यूथ मैटर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग में। इंडिया जो कि इजिप्ट का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अकॉर्डिंग टू डाटा, जो कि कायरो सेंट्रल बैंक के डाटा से हमें ये जानकारी मिलती है, जो कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इश्यू किया है, ए रिकॉर्ड हाई ऑफ $7.26 बिलियन यह पहले फिस्कल ईयर में इन दोनों के बीच में ट्रेडिंग इश्यूज हुई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ के जो दो लीडर्स हैं, उन्होंने इंडियन इन्वेस्टमेंट जो कि इजिप्ट में है उसको करेंटली लगभग $3.515 बिलियन पे स्टैंड किया है और कहा है कि इसको और इंक्रीज किया जाएगा। साथ साथ में जो पोटेंशियल डेडिकेटेड लैंड एरिया है इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कहाँ पे, तो सुएज कैनाल में, सुएज कैनाल के इकोनॉमिक जोन में, उसमें इसको और इन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं SARC, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, उसकी करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर रीसेंट करंट अफेयर को अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकर्स बैंक है इंडिया के लिए, जो बैंकर्स रेगुलेटरी है मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिया में, उन्होंने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसके साथ, तो मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी MMA के साथ। ठीक है, अंडर द SARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। अब हम लोग बात करेंगे SARC करेंसी स्वैप फैसिलिटी की, तो ये आपको ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशनलाइज हुआ है 15 नवंबर 2012 से। यह प्रोवाइड करेगा आपको स्वैप सपोर्ट एज अ बैक स्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। देखिए क्या होता है, ये बेसिकली क्या है ना कि देखिए कभी क्या होता है ना, हमें फॉरन रिजर्व हमारे यहाँ रहना जरूरी है, फॉरेक्स रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ ना, अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है तो आपकी कंट्री सही लाइन बोट लाइन में जा रही है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तौर पे। अगर फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगता है तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे किसी भी कंट्री में। तो अगर इमरजेंसी में कुछ फॉरेन स्वैप चाहिए, कुछ फॉरेन मनी चाहिए एक्सचेंज रेट में, अगर लिक्विडिटी चाहिए हाथ में, लिक्विडिटी कहने का मतलब जो करेंसी रेट होता है, डॉलर में हो गया, पेट्रो डॉलर में हो गया, यूरो डॉलर में हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पेट्रो डॉलर, यूरो डॉलर और डॉलर में क्या डिफरेंस है। डॉलर जो है अमेरिकन करेंसी है, ये तो आपको पता है। पेट्रो डॉलर मतलब क्या होता है, किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री में जहाँ पे अमेरिका ऑयल खरीदती थी, रॉ ऑयल खरीदती थी कहीं से, तो डॉलर में जो पेमेंट करती थी ना, वो पेमेंट को पेट्रो डॉलर कहते हैं। यूरो डॉलर की बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए अपार्ट फ्रॉम एनीवेयर अमेरिकन डॉलर जो है वो किसी भी बैंक में फेडरल रिजर्व में स्टोर्ड है, तो वो यूरो डॉलर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। ये सब आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या हुआ। यह जो एग्रीमेंट हुआ वो इनेबल करेगा MMA, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है वो, तो करेंसी स्वैप जो फ्रेमवर्क है मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी MMA, उसको विड्रॉ कर सकता है वो मल्टीपल ट्रेंचेस अप टू मैक्सिमम कितना, तो $200 मिलियन RBI से। ठीक, करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट है वो एक एग्रीमेंट है किसी भी दो क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज़ के बीच में, आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, दो क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट है जहाँ पे एक जो होगा वो एग्री करेगा लोन देने के लिए अनदर को फॉरेन करेंसी में। इंडिया साइन किया था करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को जहाँ पे $400 मिलियन श्रीलंका के साथ 2019 से लेके 22 में, श्रीलंकन क्राइसिस जो था उसमें। ठीक है, अब चलिए न्यू टर्म पे चलते हैं, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स के बारे में समझते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स जो प्रमोट करेगा अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स ऑन December 15, 2022। मतलब पीस कीपर्स क्या होते हैं, जो वैसे एंटिटी, वैसी बॉडी, वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो पीस कीपिंग मिशन में वर्क करती है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया। ठीक है, तो एक तो ये तो बड़े लेवल पे हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स एक ऐसी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगी जो कि पीस कीपर्स के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको वो स्टे करेगी, तो ये किया गया December 15, 2022 को। इसके की हाइलाइट्स देख लेते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल, इन्होंने मिलकर को चेयर किया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को। यह लॉन्च किया गया जब इंडिया ने करंट प्रेसिडेंसी लिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तब की UNSC की। साथ में ही ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल विल, किसी भी चीज़ का पॉलिटिकल, किसी भी ग्रुप्स के पॉलिटिकल विल को, साथ साथ में अगर मेंबर स्टेट होते हैं वो इंप्लीमेंट करेंगे प्रोविजंस के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2589 के तहत। क्लियर है, अब इस पर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इंडियन अंटार्कटिका एक्ट 2022 की। इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 जो था वो पास किया गया, दो जगह से पास होगा, लोकसभा से पास हुआ July 22, 2022 को और राज्यसभा से पास हुआ August 1, 2022 को। उसके बाद जैसे ही कोई बिल पास होता है दोनों सदन से तो वो एक्ट बन जाता है, एक्ट बन गया। उसके बाद बेसिकली इसमें क्या था ना, क्या इफेक्ट आया, तो अंटार्कटिक ट्रीटी बेसिकली बात कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मराइन लिविंग रिसोर्सेज का, जो अंटार्कटिक रीजन में जो मराइन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के बारे में, और साथ साथ में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ना अंटार्कटिक ट्रीटी के उसके प्रोटोकॉल के बारे में,
बात कर रही है, ठीक है। अब हम लोग की प्रोविजन समझ लेते हैं इस एक्ट की। तो बेसिकली ये एप्लीकेबल किस किस पे है, तो प्रोविजन जो एक्ट है वो अप्लाई होता है किसी भी पर्सन पे, वेसल और एयरक्राफ्ट पे। वेसल कहने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये कैप्सूल एयरप्लेन है, ठीक है, या फिर एक सेटअप है जो जाकर के अंटार्कटिक रीजन में स्टे करेगा लगभग 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, किसी भी कंट्री का हो सकता है, तो ये कैप्सूल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो किस किस पे एक्ट होगा, तो किसी भी पर्सन पे, वेसल पे, किसी एयरक्राफ्ट पे, और ये इंडियन एक्सपेक्टेशन टू अंटार्कटिक उस पे लगेगा। अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी जो होगी वो प्रोहिबिटेड होगी, तो प्रोहिबिटेड जो एक्टिविटी है वो होगी आपको डीमिलिट्राइजेशन, ये इंश्योर करेगी डीमिलिट्राइजेशन उस रीजन में, साथ साथ में ही जो माइनिंग और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उस पे भी ये काबू पाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी की बात कर लें तो यह एक्ट ऑल्सो प्रपोज करता है इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी IAA के फॉर्मेशन का। तो ये था हमारा इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम हमारे सामने है, इंडिया अफ्रीका। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है वो इंडो अफ्रीकन रिलेशन को और स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो इंडिया अफ्रीका, देखिए अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट पढ़ना है ना, तो PT मेंस 365 आती है रिसेंट वाली, जो भी आए उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल रिलेशन वाली पार्ट को निकालिए और पढ़ जाइए, बहुत बेहतरीन बुक है। कोई बुक की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग की कोई मटेरियल कोई वीडियोज की देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फॉलोशिप प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, जिसको IADD भी कहते हैं, इस वक्त यह साइडलाइन में डिफेंस एक्सपो के साइडलाइन में ही चल रहा था गांधीनगर गुजरात में 2022 में। रक्षा मंत्री जो श्री राजनाथ सिंह है उन्होंने लॉन्च किया इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। अब देखिए अफ्रीकन और इंडियन नेशन का ना, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया तो वसुधैव कुटुंबकम, हर लोगों से बाउंड्री रिलेशन अच्छा रखना है। इवन दो आप हमारे नेवर हैं या नहीं है, रिस्पेक्टिव यू आर आवर नेवर और नॉट, आवर विंग्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, आवर आर्म्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो इस फेलोशिप की हाईलाइट क्या क्या है, तो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालाइज या MPIDSA उनके नेम पे खोला गया है, मनोहर पर्रिकर जी जो गोवा के CM थे, तो उनके लिए नॉलेज पार्टनर IADD होस्ट करेगी एक फेलोशिप प्रोग्राम का। फेलोशिप क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा अफ्रीकन स्कॉलर्स को कि आप रिसर्च कर सकते हो, किस चीज़ पर रिसर्च करना है, तो डिफेंस पर रिसर्च करना है। किस चीज़ पर करना है, तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर रिसर्च करना है, जो हमारे इंडिया में इशूज़ हैं उस पर। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग की बात कर ले, इसको IADD कहते हैं। ये हेल्ड हुआ था अक्टूबर 18 2022 को कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में। IADD इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग की जो थीम थी वो थी अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग द स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो ये था हमारा इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, इतना ही जानना है, इसे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे 14th इंडिया UAE ज्वाइंट कमीशन के बारे में। बेसिकली 14th इंडिया UAE ज्वाइंट कमीशन मीटिंग जो था वो हेल्ड किया गया अबूधाबी UAE में, ठीक है। यह जो था ना बेसिकली सिग्निफिकेंट प्रोसेस प्रोग्रेस बता रहा था, जो मल्टीपल डोमेन हमारे और UAE, इंडिया और UAE के बीच में कोऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में। इसको हेल्ड किया गया था सितंबर 1 2022 को अबूधाबी जो शहर है UAE का। 14वां इंडिया UAE जो ज्वाइंट कमीशन कह सकते हो, ज्वाइंट कमीशन को चेयर्ड किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ UAE सेम काउंटर पार्ट शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के द्वारा। की अलग बात कर ले, दोनों मिनिस्टर्स ने रीइंस्टेट किया, रिट्रेट किया कैसे हम कमिटमेंट करेंगे, हम अचीव करेंगे $100 बिलियन की बायलिट्रल ट्रेड की बात करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। $100 बिलियन की बात करेंगे बायलिट्रल ट्रेड की नेक्स्ट 5 ईयर में। 2 MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। जैसे पहला था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये था पहला, एंड इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबरा कंजर्वेशन, ठीक है, इस पे था, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पता है ये काफी इंडेंजर्ड स्पेसीज है, आपको राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात कर लें तो कुछ क्या होता है, पाकिस्तान राजस्थान से निकल के पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान में मार दिया जाता है इनको। ये बहुत ही मुश्किल से 100, 200, 300 बचे होंगे, इस तरीके से ये हाल है। और साथ में ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ में लेसर फ्लोरिसियन का, फ्लोरिकन का भी ये कंजर्वेशन की बात हो रही है। ये था हमारा 14th इंडिया यूनाइटेड अरब एमिरेट ज्वाइंट कमीशन। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल मीट के बारे में। देखिए बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश और इंडिया का जो ट्रेड डील चल रहा है ना, बांग्लादेश इंडिया के बीच में रिलेशन चल रहा है ना, वो बहुत ही हसीन चल रहा है। हसीन कहने का मतलब शेख हसीना जी, कारण बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, बांग्लादेश भी प्रोग्रेस चाह रहा है, बांग्लादेश भी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट चाह रहा है, बांग्लादेश भी चाह रहा है कि वो आत्मनिर्भर बने, इकोनॉमिकल वायबल हो, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बढ़ाए अपने आप में, अपने आप को बहुत अच्छा करना चाह रहा है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप बहुत जल्दी सुन लोगे कि बांग्लादेश इज डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट इन दिस ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो चलते हैं, देखिए इंडिया बांग्लादेश, अब देखिए इंडिया जो है ना वो बांग्लादेश का सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एशिया में। एशिया में अगर एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट है बांग्लादेश का। कोविड 19 आया कोई फर्क नहीं पड़ा,
कोई डिसरप्शन नहीं हुआ, बायलेटरल ट्रेड हमारा बढ़ते ही गया, लगभग 44% बढ़ा है, $10.78 बिलियन था 2021 में और $18.13 बिलियन हुआ 21-22 में, आप समझ लीजिए 44% ग्रोथ, इवन दो द कोविड हिट अस, इवन दो दे हैव अफेक्टेड, वी हैव वी बोथ द कंट्रीज गेट अफेक्टेड विद द कोविड क्राइसिस, लेकिन साथ साथ में इस दोनों के रिलेशन को स्ट्रेंथन और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी कंट्री जो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो September 5, 2022 को इंडिया आई हुई थी, 4 डे 5 से लेकर 8 सितंबर तक रही थी स्टेट विजिट पे, ये इसको और देखिए किसी कंट्री के कोई कोई प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, किसी कंट्री विजिट करता है ना तो बिल्कुल रिलेशनशिप बढ़ता है। फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन जो आए थे वो क्या किए थे, वो आके एक रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करते हैं। पुतिन आया था दिल्ली, क्यों आया था, क्योंकि उसको पता है इंडिया आएगा रिलेशन बढ़ेगी, बातें बढ़ेगी, कंट्री लोग जानेंगे, रिलेशन को और एक्सेप्ट करेंगे, जो एक्सेप्ट कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो उलझेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगी, ये सब होते रहता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में, अगर इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं, सारे लोग हमारे टाइज होते हैं, एवरी एनिमी हैज ए गेट थ्रू विच वी कैन एस्केप अगर हमें उससे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं जो इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल मीट है उसकी की हाईलाइट्स के बारे में। दोनों साइड ने 7 एग्रीमेंट को साइन किया है, जैसे कौन कौन से 7 एग्रीमेंट, रेलवेज के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, स्पेस कोऑपरेशन के लिए, मीडिया के लिए, वाटर शेयरिंग के लिए। दो लीडर ने एग्री किया है कि वो लोग अनइंटरवेंटेड एफर्ट लगाएंगे, एक्सपेडिट एफर्ट लगाएंगे, इंप्रूव करेंगे बायलेटरल ट्रेड को, अपने सब रीजनल कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, जैसे BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को और बढ़ाएंगे, यह एक एग्रीमेंट था बेसिकली आपको कनेक्टिविटी के लिए। अब देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स आपको इंडायरेक्टली प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इनॉग्रेट किया गया है या कुछ अनाउंस किया गया है या कुछ अनवेल किया गया है। ठीक है, जिनको कहते हैं शिलालेख लगा दिया गया है उनका, तो पहले वो एक समझिए, Unit 1 ऑफ मैत्री पावर प्लांट जो कि 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है। 1320 का एक अकेला नहीं है, 660 का को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पावर प्लांट है। ठीक है, और ये कहाँ लगा है, तो रामपाल खुलना में लगा है। इसी के साथ साथ एक रूपसा ब्रिज है उसको इनॉग्रेट किया गया है, 5.13 किलोमीटर का ये रूपसा ब्रिज है, रेल ब्रिज है जो कि एक की पार्ट है, 5.13 जो किलोमीटर है रूपसा ब्रिज का, यह एक की पार्ट है 64.7 किलोमीटर खुलना मोंगला पोर्ट सिंगल ट्रैक ब्रॉड गॉज रेलवे प्रोजेक्ट का। तो जो खुलना मोंगला पोर्ट सिंगल ट्रैक ब्रॉड गॉज रेल प्रोजेक्ट है ना, उसका जो 64.7 किलोमीटर का रेल प्रोजेक्ट है उसमें से 5.13 किलोमीटर जो है ना वो रूपसा ब्रिज है। ठीक है, अब हम लोग इस तीसरे चीज की देख लेते हैं, खुलना दार्शना रेलवे रेल लाइन लिंक प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना वो अपग्रेड किया गया है पहले वाले को, पहले था डबलिंग, जैसे अपग्रेड कैसे किया गया है, ब्रॉड गेज को डबल किया गया है, डबल लाइन बनाया गया है। ठीक है, साथ में ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंक किया गया है, करंट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जैसे गेंदे दार्शना एंड खुलना को बढ़ावा दिया गया है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। अब चलिए बात करते हैं कुछ ट्रेड पार्टनर्स की बारे में, अभी हमारा टॉपिक कौन है, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात हो रही है, मतलब 21-22 की बात होगी यहां पे। ठीक है, तो हाल ही में यूएस ने इमर्ज किया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनके फाइनेंशियल ईयर 2022 में, 2022 कहने का मतलब 2021-22 की इकोनॉमी सर्वे या बजट के तौर पे। अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किया है डाटा को, कौन सी मिनिस्ट्री इस बात का ख्याल रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है, रिलीज किया है इस डाटा को, और इस डाटा के तहत जो यूएसए है ना वो अब बहुत आगे निकल गया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल टाइज, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर की हम बात कर ले तो यूएसए सरपास कर दिया अब चाइना को, जो कि बन गया है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 2021-22 में। साथ साथ में यह जो ट्रेडिंग लिंक है ये बताता क्या है, यह रिफ्लेक्ट क्या करता है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में कैसे इकोनॉमिकल टाइज जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। साथ साथ में 21-22 में यूएई जो है ना $72.9 बिलियन के साथ तीसरे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ इंडिया पे जुड़ा। ठीक है, चाइना जो था वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था 2013-14 में से लेकर के 2017-18 तक, और साथ साथ में ही 2021 में भी टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन 21-22 में फिर से यूएसए टॉप पे आ गया, देन चाइना, देन यूएई। लेकिन चाइना से पहले यूएई जो था ना वो कंट्री का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। अगर हम लोग बात करें इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22, देखिए फाइनेंशियल ईयर को ध्यान रखिएगा, इसकी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो यूएस डॉलर बिलियन यूएस डॉलर के टर्म में, यूनिट में, तो पहले बात करें ट्रेडिंग पार्टनर हमारा यूएसए है पहला, जो एक्सपोर्ट करता है यूएस डॉलर $76.1 बिलियन, इंपोर्ट करता है यूएस डॉलर $43.31, जो कि काफी अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों रेशियो काफी बैलेंस्ड है, टोटल ट्रेड 119.4 यूएस
डॉलर बिलियन यूएस डॉलर का होता है। उसके बाद चाइना है जो कि एक्सपोर्ट करता है यूएस डॉलर 21 पॉइंट। देखिए ये डिफरेंस आपको देखिएगा फिर पता चलेगा। इंडिया जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है यूएस डॉलर 21.25, बहुत कम है, लेकिन इंपोर्ट चाइना का कितना करता है 94.16 बिलियन डॉलर। तो आप समझिए, आप जो कहते हो ना कि बायकॉट कर दो, चाइना की बायकॉट कर दो, चाइना को बायकॉट कर दो, अगर चाइना को बायकॉट नहीं करोगे वो खुद का बायकॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करना पड़ेगा, जिससे आप चीज़ों को ऐसे मैन्युफैक्चर करो कि आपको चाइना से लेना ही ना पड़े। जब लेना नहीं पड़ेगा तो फिर खुद पे खुद चाइना पीछे होगा। तो चीज़ों को समझिए, कभी भी झंडे लेके लड़ने की इससे कोई फायदा नहीं है, आपको हमेशा वाइजली लड़ना चाहिए। एक पढ़े लिखे इंसान का एक लोकेशन देना ही चाहिए आपको। इसी के साथ यूए की बात कर ले 28.04 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट की बात कर ले तो 44.83 बिलियन डॉलर है, टोटल की बात कर ले 72.87। टोटल बोलने का कोई जरूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया की बात कर ले, आपको इस कंट्री का एक तरीके से ना सिक्वेंस याद होना चाहिए, यूएस चाइना यूए देन सऊदी। सऊदी का है आपको टोटल एक्सपोर्ट 8.75 बिलियन डॉलर, एंड इंपोर्ट जो है वो 34.10 बिलियन डॉलर है। इराक की बात कर लेते हैं, आईरेक, ये यूएस डॉलर 2.40 इसका एक्सपोर्ट है इंडिया के साथ, और 31.92 इसका इंपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए हमारा नया करंट अफेयर, एक और करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद जो सेकेंड यूनिट होगा वो हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर में पढ़ाएंगे। इंडिया एंड कनाडा ने रिलॉन्च किया है सेपा को। आखिर सेपा क्या है? सेपा है आपको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको कहते हैं सेपा। तो 2010 में कनाडा और इंडिया ने लॉन्च किया था, एक नेगोशिएशन किया था आपस में, कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको सेपा कहते हैं वो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हम लोग इसका मोस्ट रिसेंट राउंड की बात करें तो दिल्ली में हुआ अगस्त 2017 में। रिसेंट में ही इंडिया एंड कनाडा ने अनाउंस किया है कि फिर से लॉन्च करेंगे हम सेपा को, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फिर से लॉन्च करेंगे। इसी के साथ साथ ये टॉपिक हो गया, अब हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के बारे में समझ लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में समझते हैं। देखिए इंडिया ने टोटल 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं अभी तक, और इसके जो 13 फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं वो हम समझते हैं। पहला इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, सेकंड हुआ है एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इसको साफ्टा कहते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसको साफ्टा कहते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। देखिए एक तरीके से आप समझिए साउथ एशियन है जो इंडिया से टच करती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए। फिर इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड, इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कमर्स एंड ट्रांजिट, इंडिया थाईलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को सेसा भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया एशियान कंट्रीज के साथ सेसा ट्रेड इन गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ब्रुनई कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम के साथ, इंडिया साउथ कोरिया का भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसको सेपा कहते हैं। सेपा नॉर्मली कॉमन वर्ड है, यूज किया जा सकता है, इंडिया जापान के बीच में सेपा होता है, इंडिया मलेशिया के बीच में भी, और साथ साथ में इंडिया मॉरिशस इंडिया यूएई सेपा। देखिए स्टार क्यों लगाया ना, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके साथ साथ इन कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स के साथ साथ ही इंडिया ने कुछ के साथ कुछ लिमिटेड कवरेज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है कि हम तुमसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, मतलब जो चीज़ें हम तुमसे प्रेफरें करते हैं वही लेंगे वही देंगे, बात खत्म है, ज़्यादा हम लोग आपस में मिलन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ हैं जैसे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट आप्टा के साथ, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस GSTP के साथ, साउथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा, इंडिया अफगानिस्तान के साथ PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया मरकोसुर PTA, इंडिया चीले PTA। तो ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट। देखिए घटना चक्र की बुक ना एग्जाम पर्पज की से इतनी बेहतरीन बुक है, इसको बनाने वाले इतने बेहतरीन है ना कि आप इसको मतलब 100 में 100 दे सकते हैं, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इसकी बुक की PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हो करंट हमारे टेलीग्राम चैनल IISP Simplified पे। अगर आपको लगता है मेरा चैनल वाकई आपकी मदद कर रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू।